कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज किस चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ, आप देख लीजिए इसे अच्छे से। तो ये है तुलसी। आप हम सब जानते हैं तुलसी जो है कितनी ज़्यादा औषधीय गुणों से भरपूर है, और इसके बारे में मैं जितनी बात करूँ उतनी कम है। इस पौधे की हम पूजा करते हैं काफ़ी। ये जो पौधा है इसके पत्ते का कितना यूज़ है, आज इस वीडियो में मैं जो बताऊंगी इसी के बारे में बताऊंगी। इसका यूज़ इतना है कि हमारी बीमारियों को ये हद से ज़्यादा दूर कर देता है, हमारी स्किन पे ग्लो ला देता है। और हमें चाय, अगर हम इसका सेवन रोज़ चाय के साथ करें, चाय को बना के इस पत्तों से चाय बना के पिए तो भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। तो मैं बताऊंगी आज इसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये अनेक औषधीय गुणों वाला पौधा है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट के अलावा ऐसे कई तत्व होते हैं जो हमारी सेहत के अनेक प्रकार से फ़ायदा पहुंचाते हैं। तुलसी का इस्तेमाल जो है ना, आप ताज़ा पत्तों का कर लीजिए, सूखे हुए पाउडर का कर लीजिए, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो चलिए बताते हैं इसके बारे में कि हम इसका किस तरह से यूज कर सकते हैं। आप रोज तुलसी की चाय पिए तो काफी फायदेमंद होगी, आपके कफ, खांसी, जुखाम, अस्थमा जैसी तकलीफ से राहत मिल सकती है अगर आप रोज तुलसी की चाय का सेवन करें तो। और इसका फायदा जो है ना, आप रिजल्ट इसका कमाल का होता है। अगर आप रोजाना चाय तुलसी की अगर आप पी सकते हैं तो पीजिए, अपने घर में सबको बना के दीजिए चाय। तो इससे आपकी अनेक बीमारियां, जैसे हमें अब सर्दियों का मौसम है तो तुलसी की चाय रोज़ पीना चाहिए, इससे हमारे खांसी जुखाम बहुत कम होगी। इसे आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। और सेकंड बात जो है, आप घर में जो पानी पीने का यूज़ करते हैं उसके अंदर आप तुलसी के पत्ते जो हैं वो डाल दीजिए। और तुलसी का पानी अगर आप रोज़ पियेंगे तो आपको एसिडिटी, पेट की प्रॉब्लम दूर होगी, और आपको पानी पीने से शुगर का लेवल जो है वो कंट्रोल में रहता है, डायबिटीज़ का खतरा भी नहीं होता है। तो आप तुलसी का पानी जो है रोज़ पीना स्टार्ट कर दीजिए। उसके अलावा आप तुलसी के पानी को और ज़्यादा टेस्टी बना सकते हैं। और सुबह सुबह अगर आप तुलसी को थोड़ा सा पानी, एक गिलास पानी ले लीजिए, उसमें तुलसी के पत्ते थोड़े डाल दीजिए, और उसके अंदर आप थोड़ा सा जो है एक गिलास पानी में आप चार पांच पत्ते डाल के उसे उबाल लीजिए। उबालने के बाद उसमें थोड़ा सा जो है एक चम्मच हनी मिक्स कर दीजिए और आधा चम्मच आप लेमन का रस मिक्स कर दीजिए। उसके बाद इस पानी को आप रोज़ाना सुबह सुबह उठते ही पियेंगे तो आपकी अनेक बीमारियां काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी, और आपकी जो हेल्थ है उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा, आपकी स्किन पे ग्लो आएगा। और आपकी हेल्थ में जैसे किसी को एलर्जी की प्रॉब्लम है और खांसी जुखाम ज़्यादा लगती है तो वो नहीं लगेगी। और इसे, इसका सेवन जो है ना आप रोज़ करेंगे तब आपको इसका रिज़ल्ट जो है कमाल का मिलेगा। और इसका पानी, पीने के पानी में आप डाल दीजिए तो घर में जो भी है सब पियेंगे तो उससे आपके काफ़ी बेनिफिट होंगे। तो मैंने बताया कि शुगर प्रॉब्लम और शुगर कंट्रोल में रहती है, डायबिटीज़ का खतरा भी नहीं होता है, तो एक इतना सा काम हम तो कर ही सकते हैं। और इसका पानी का टेस्ट जो है ना कमाल का होता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। मेरे घर में जो भी आते हैं बोलते हैं आप पानी में क्या डालते हो, आपके पानी में जो है ना तुलसी की बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। तो आप एक बार इसे डाल के और ट्राई करके देखिएगा। और इसका सुबह सुबह पानी पीने से भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो ताज़ा तुलसी के पत्तियाँ जो आप, तुलसी का पेड़ वैसे हमारे घर में होता है तो ताज़ा तुलसी की पत्तियाँ जो है रोज़ यूज़ कर लीजिए, और पानी चेंज करने के बाद दोबारा दूसरे दिन फिर से यूज़ कर लीजिए। तो मुझे इसका पानी पीना काफ़ी टेस्टी लगता है और आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद हम आते हैं फ्रेंड्स हमारी स्किन के लिए। तो स्किन के लिए भी तुलसी का पौधा जो है इतना, मतलब इसके गुण इतने हैं कि इनकी बात करें हम तुलसी की तो इतना बड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा पता है। दवाइयों में भी इसका यूज़ होता है। अगर आपने तुलसी के तेल का यूज़ कोकोनट ऑयल में मिक्स करके अपने बालों में लगा लिया तो आपके बालों का डैंड्रफ दूर हो जाएगा। और अगर आपने तुलसी को, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी लिया है और तुलसी को यहाँ पे ये देखिए पेस्ट बना लिया है, इस तरह का आप पेस्ट बना के
और थोड़ा सा पतला पेस्ट बनाना है आपको। देखिए मैंने थोड़ा पानी ज़्यादा डाला है इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा बेसन मिक्स कर दूंगी और इसे पतला ही रखना है, गाढ़ा पेस्ट नहीं बनाना है। इसे अपनी जहाँ पे आपके झाइयाँ हैं वहाँ पे इसे लगा लीजिए और 1-2 घंटे तक आपको रखना है, ज़्यादा देर मत रखिएगा। और 10 मिनट रख लेंगे तब भी काम हो जाए, लेकिन अगर झाइयाँ ज़्यादा है तो आपको 1 घंटे तक रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपने फेस को वॉश कर लेना है। ये देखिए इस तरह का पतला पेस्ट बन चुका है। इसमें मैं थोड़ा सा बेसन मिक्स करूँगी और उसके बाद इसे अपने फेस पे लगा लीजिए। और आधे घंटे भी लगाएंगे तब भी काम करेगा, लेकिन आपको कंटिन्यू इसे लगाना पड़ेगा। और इसे अच्छे से अपने फेस पे लगा के आप रख लीजिए और काम में अपने बिजी हो जाइए। हाउसवाइफ है तो काम भी कर लीजिए इसे लगा के। आपके जो स्किन पे झाइयाँ है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। कंटिन्यू आप इसे लगाएं, रोज़ लगाना है आपको। तो यही है मेरा आज का वीडियो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 एक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वो जो घंटी आती है उस बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि आप मेरा कोई भी नया वीडियो मिस ना कर सकें। तो यही है मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।